अभी तक नहीं आई यार, बहुत ही देर लगा दी, बहुत ही देर लगा दी। ये लो। अरे अलका कहाँ है? उसने डेढ़ रुपए भेजे, कहती की टिकट लेके रखो, लेक्चर खत्म होते थे भी पहुँच जाएगी। ओहो, अलका और उसके लेक्चर, बोर। माफ करना, मैं तो भूल गया था कि तुम भी यहाँ खड़े हो। भूल गए? भूल गया। चलो चलो, बहुत देर हो गई। क्यों? ये लो, ले लो रुपए। अरे हम दोनों के पैसे ले लो। अच्छा, लेकिन एक शर्त पर, अलका को मत बताना। ओहो, देख। अच्छा नहीं बताए, तुम ले ही लो। हाँ, वापस कौन जाता है, जाओ ना। इश्क भी आदमी को गिदड़ बना देता है। किसी को गिदड़, किसी को गधा। इस गिदड़ से तो ये गधा ही अच्छा है, जो कम से कम हर वक्त अलका अलका की रट तो नहीं लगाया करता। अलका क्या कोई खुदा है? मैं बताऊंगा उसको। ए, खबरदार बताया जो। मैं बताऊंगा, मार खाएगा। देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं। नन कहाँ है? पानी पीने गया। जी नहीं, टिकटे लेने गया। क्या? हाउस फुल। चलो भाई, चलो, शो शुरू हो गया। आ गई अलका, चलो। अच्छा, चलो भाई। टिकटे मिली? हाँ। दिखा दिखा, काला बाजार मिली ना? नहीं तो इसी जोकर के बच्चे ने बताया होगा। नन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अलका, तुम क्या कर रही हो? तुम अलका, तुम्हें दूसरों की टिकटें फाड़ने का कोई हक नहीं था। टिकटें? अगर वो हजार हजार की नोट होते तो भी मैं उनको ऐसे ही फाड़ देती। अलका, ये तुम हर बात में जो धर्मात्मा बनने की कोशिश करती रहती हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मत मिला करो मुझसे नंद, मैं जो हूँ सो हूँ। अपने साथियों के साथ मैं अपने आप को गिरा नहीं सकती। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो तुम्हें ऊपर उठना होगा। अलका, मेरी बात तो सुनो। अलका, सुनो तो। बच्चू, तेरी तो मैं कल आके खबर लूंगा। मेरे दो रुपए, तुम्हारे तो कमीज भी फाड़ देने के लिए, पतलून भी, गधा कहीं। अलका, मेरी बात तो सुनो भाई। क्या है? तुम्हारी कसम, अब ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। तुम जैसे पढ़े लिखे लोग भी अगर काला बाजार जैसी गैर कानूनी और असामाजिक बातों को बढ़ावा देंगे तो अनपढ़ लोगों का क्या होगा? मान लिया बाबा, कहा ना ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें घर तक छोड़ा? मैं खुद चली जाऊंगी। कल कितने बजे आओगी कॉलेज? 10 बजे। जल्दी मुझे डर। ऐसा क्या है, दिन रात मुझे मेहनत करते नहीं देखती हो क्या? आह, कल्पना का सुंदर ये जगत मधुर कितना होता, सुख स्वप्नों की दल छाया में पुलकित हो जगता सोता। संवेदन का और हृदय का ये संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहां बकता। कब तक और अकेले कह दो हे मेरे जीवन बोलो, कब तक और अकेले कह दो हे मेरे जीवन बोलो।
गम नहीं पड़ता। मत पढ़ो, जाते हुए उठा लेंगे। हम यहाँ पढ़ने आते हैं, कुछ और पढ़ने पढ़ने तो नहीं आते। हाँ, तो फिर श्री नंद कुमार चट्टोपाध्याय। मैं चट्टोपाध्याय नहीं हूँ। तो क्या हो, रोमियो हो? तुम क्या हो, जूलियट हो? चल चल थोड़ा आया। मैं तेरी चुटिया खींच लूंगा। मैं तेरी चुटिया नहीं खींच लूंगी। इस खोपड़ी में इतनी अकल कहाँ से पाई तूने? अपने बाप से। और कभी कभी जो घास चरने चली जाती है वो कहाँ से सीखा? अपनी माँ से। अच्छा, किताब कहाँ फेंकी? जब उठा गया अपन। तू जा, सब बातें सुनता हूँ। नहीं, सोया है। जाना, किताब उठा गया। तू जाना। वह फेंकी मैंने या तूने? इससे क्या? इससे ये कि जो फेंके वही लाए। जा। अच्छा, फिर करना मुझसे बात। पहली लाइन का क्या मतलब? दूसरी का बताऊं भैया? हाँ, कहता है तुझे। स्कूल में पढ़ता भी है या शैतानी करके लौट आता है? पढ़ता हूँ भैया। पढ़ता हूँ भैया। क्या नंबर आता तेरा? 20वां। 20वां? शर्म आनी चाहिए। बड़ा हो गया क्या तुझे भी मेरी तरह जाहिल और निकम्मा आदमी बनना है? अब की बार अगर अव्वल नंबर नहीं आया तो बहुत पीटोगे तुझे। बनना है खूब बड़ा कर। तुम ही तो कहते थे भैया कि आदमी बड़ा पैसे से बनता है। कहता था मगर अब नहीं कहता हूँ। बिना पढ़ाई के आदमी कुछ नहीं बन सकता है, उसे जिंदगी में कोई अच्छी चीज नहीं मिल सकती है। कोई अच्छी चीज नहीं मिल सकती है। हाँ, तुमने मुझे आठवीं क्लास में स्कूल से को हटा लिया था। भूल गए बेटा, तेरे पिताजी चल बसे थे। भगवान को नहीं मानते क्या? तो फिर फिक्र काहे की करते हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम कौन हो? मैं भी उसी भगवान का पैदा किया हुआ आदमी जिसने तुम्हें पैदा किया है, मुझे अपना भाई ही समझो। भैया, मैं फुटपाथ पर नहीं मरना चाहता, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। अच्छा चलो, अब तो देश आजाद है, क्या सभी डॉक्टर पैसा मांगेंगे? तुम कौन हो? मैं भी उसी भगवान का पैदा किया हुआ इंसान हूँ जिसने तुम्हें बनाया। चले आओ। किताबें कहां से लाते? सुनोगे तो फंसोगे। ये किताबें मैं चोरी करता हूं। चोरी? बहुत सोचता हूं कि चोरी करना बुरा है, लेकिन फिर सोचता हूं कि अनपढ़ रह जाना क्या ज्यादा बुरा नहीं है।
कितना पढ़े हो। एमए करने के बाद महसूस हुआ कुछ नहीं रहा, असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी। और खाने पीने का इंतजाम? अंदर तड़प पैदा हो चुकी हो तो भूख तंग नहीं करते। वैसे भी किताबी कीड़ा हूं, गुजर हो ही जाती है कुछ पढ़कर कुछ पढ़ाकर। दोस्त मुझे पढ़ाओगे क्या? ये किताबें और किताबें। क्यों, तुम क्यों पढ़ते हो? अंधेरा दूर करने के लिए। यहां का अंधेरा? हाँ यहां का अंधेरा। दोस्त तुम में भी तड़प है, पढ़ाओगे मुझे? लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मेरा घर जो है, ये कहना बिल्कुल बेहुदा लगता है कि मेरा पैसा, कि मैं तुम्हारी सब जरूरतें पूरी कर सकता हूं। बस इतना समझ लो कि तुम्हें एक दोस्त मिल गया है।